मामला सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज अनुमंडलीय मुख्यालय अंतर्गत जदिया थाना क्षेत्र के मानगंज पूर्वी पंचायत वार्ड नंबर 5 निवासी किरण कुमारी क्षेत्र संख्या 24 के जिला परिषद के पति का है। जिला परिषद किरण कुमारी ने बताया कि पंचायत चुनाव के समय में राजनीति के तहत मेरे पति को शराब कांड में फंसाने की साजिश की गई। किरण कुमारी ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए बताया कि मेरे घर में जदिया पुलिस द्वारा राजनीति के तहत छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान मेरे पति घर में नहीं थे, न ही हमारे गांव समाज का कोई प्रतिनिधि या गणमान्य व्यक्ति था। मेरे घर में सिर्फ 2 महिलाओं के साथ एक लड़का था। पुलिस द्वारा जो छापेमारी की गई वो गलत तरीके से की गई। छापेमारी के दौरान घर के मुखिया या समाज के व्यक्ति का रहना अनिवार्य था, लेकिन पुलिस की मनमानी चलती रही। पुलिस ये भी आरोप लगाया कि मेरे घर से शराब बरामद नहीं की गई। राजनीति के तहत पुलिस की मिली भगत से शराब कांड में मेरे पति को फंसाया जा रहा है। गांव के सरपंच प्रतिनिधि ने बताया कि जिला परिषद के पति अच्छे व्यक्ति हैं, आज तक हम लोगों ने उन्हें गलत काम करते नहीं देखा। चुनाव का समय आ गया है, इसलिए राजनीति के तहत पुलिस की मिली भगत से विपक्षियों द्वारा झूठी साजिश कर फंसाया जा रहा है। वहीं पुलिस पर भी आरोप लगाया कि जब बिहार में शराब बंद है तो फिर दूसरे राज्य से बिहार में शराब कैसे आ जाती है, क्योंकि पुलिस को शराब माफियाओं से कमीशन मिलता है, तभी तो दूसरे राज्य से बॉर्डर पार कर शराब बिहार पहुंचती है। कुछ ग्रामीणों ने बताया जिला परिषद में घर से शराब नहीं मिली है। पुलिस ने अपने वाहन से बोरी में रखी शराब को निकालकर एक प्लास्टिक क्रेट में रखा था, इसका वीडियो भी देखा जा रहा है। वहीं जिला परिषद पति के खिलाफ जदिया थाना में दर्ज शराब कांड 78/21 में शराब की पुष्टि के गवाह बने भूपेंद्र मेहता ने बताया कि पुलिस के द्वारा मुझे डरा धमका कर दस्तखत करवाए गए हैं, जो गलत है। वैसे भी पुलिस के आगे किसकी चलती है। वहीं दूसरे गवाह में नीतीश मंडल का नाम दिया है, जो सही नहीं है। नीतीश मंडल का आदर्श पता पर खोजबीन की गई तो पता चला कि इस नाम के पते पर कोई भी व्यक्ति नहीं है। गवाह पुलिस को भी धोखा दे गए। वहीं जिला परिषद किरण कुमारी ने वरीय अधिकारियों को आवेदन देकर लगाई निष्पक्ष जांच की न्याय की गुहार। अब देखना लाजमी होगा कि पीड़िता को न्याय मिल पाता है या ऐसे ही बात को दबा दिया जाता है। आइए सुनते हैं क्या कहती है जनता। क्या नाम हुआ? सुनील कुमार मेहता। कहाँ घर है? मानगंज वार्ड नंबर 6। यहाँ क्या मामला था? ये जिला परिषद कौन है अभी? जो पुलिस जो देखे बहुत लोग, हम लोग यहाँ पर आए तो हम लोगों को उधर से इधर आने के लिए नहीं रहा। उधर से भी जो आदमी था उधर से भी आदमी को आने के नहीं दे रहा था। कहाँ नहीं आने दे रहा था? ये जिला परिषद के यहाँ। जिला परिषद कौन है आपका? किरण देवी। अच्छा, तो कब आया था यहाँ पुलिस? क्या तारीख था? 15 को 7:30 बजे तो पुलिस आया। तो यहाँ क्या सब किया? अंदर में क्या 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 चीज़ था नहीं था वो तो वही लोग बताएगा कि अंदर में क्या करने के लिए गया। अच्छा। था हम लोगों को तो कोई मालूम नहीं था। मतलब जिला परिषद के घर में पुलिस आके छापेमारी किया सामने किया? ठीक है जी। अच्छा, इनके घर में कोई जेंट्स लोग थे क्या? जेंट्स ने कोई नहीं थे। 100 लड़का जो है 15-16 साल का हो, आ जाए कि कुछ कमी हो, वही लड़का था। अच्छा, तो इनके घर में आके छापेमारी किया? छापेमारी किया। तो आप लोग कहाँ पर थे तभी? हम लोग साइड में थे, यहीं खड़े बगल में। आप लोगों को देखने आए ना कि क्या मामला है? ना पूछे पूछे नहीं, लोगों को आने ही नहीं दिया ना। क्या बोल रहा था? कहने नहीं, यहाँ कोई किसी को जरूरी नहीं, भागो यहाँ से। अच्छा, छापामारी करने आया था, आप लोगों को जानकारी है? कुछ मिला यहाँ क्या? हम लोगों को तो कुछ मालूम नहीं है। कुछ मिला है या ये सब बाद में कहने लगा ये मिला वो लगा? हम लोगों को कुछ मालूम नहीं क्या मिला नहीं मिला, हम लोगों को आने ही नहीं दिया। तुमको पता? मतलब आपको क्या लग रहा है जो पुलिस अधिकारी है कि इसके यहाँ दारू मिला है? अब तो वही क्या लग रहा है? अब तो वही बताएंगे क्या चीज़ है। हम लोग ये जिला नहीं ठीक है, ये जिला परिषद कैसे आदमी कैसे व्यक्ति हैं? हम आज तक तो नहीं देखे व्यक्ति हुए। मतलब अच्छे लोग हैं कि कैसे लोग हैं? मतलब यहाँ के अच्छे लोग हैं तब तो जिला परिषद हुए ना, 1250 वोट से जीते हैं। उनके पति के जो फंसाया जा रहा था ये क्या सही है क्या गलत? गलत है। आप क्या चाहते हैं? ये सही निष्पक्ष जांच हो इसका। क्यों इसको फंसाया जा रहा है? कारण कारण राजनीति के मध्य में क्या बात है? नहीं है कैसे ये बात, तो वही लोग बताएंगे क्या बात है, कौन ऐसी बात किया है, कैसे इसको फंसाया, उसका नाम आना चाहिए, कौन ऐसा आदमी है। क्या नाम हुआ आपका? शिवेंद्र प्रसाद मेहता। कहाँ घर है? बगले में घर। कहाँ, किस जगह? इस दरवाजे के बाद मानगंज में। जी हाँ। वार्ड नंबर कितना है? 5। ये आपके जिला परिषद पर आरोप लग रहा है कि यहाँ दारू पकड़ाया गया था पुलिस के द्वारा, इसमें आपका क्या कहना है? ये गलत है आरोप। अगर हम लोग वहाँ से आए जब देखे पुलिस का गाड़ी तो वो अंदर घुसने नहीं दिया हम लोगों को। वो लोग आया एकाएक ऊपर गया अंदर गया, सब हर जगह खोज खाज कर रहा। किसके यहाँ आया था पुलिस? जिला परिषद के यहाँ। जिला परिषद कौन है आप? किरण देवी। अच्छा, तो उसके घर में जांच छापामारी किया था? हाँ, छापामारी किया। आप लोग साथ में आए थे कोई? क्या नहीं, हम लोग ढेरी आदमी थे, नहीं आने दिया अंदर। तो क्या बोला? कहा उधर ही रहो तुम लोग। अच्छा, गेट पर 2 पुलिस था।
इनके यहाँ जो महिला था पुरुष था के सब था यहाँ जब जांच? मात्र एक लड़का था, वही 12 या 13 साल उम्र का होगा। अच्छा, और महिला सब था, यहाँ जेंट्स कोई नहीं था? फिर कोई नहीं था। ये आपको क्या लग रहा है कि ये जिला परिषद क्या मतलब ये दारू रू बेचते हैं क्या? जी नहीं, हम लोग तो ऐसे व्यवहार के व्यक्ति हैं लोग, ऐसा अच्छे व्यवहार का लोग हैं। पुलिस जो ये आरोप लगा रहा है कि गलत लगा रहा है, और फिर दारू जो पकड़ के ले गया है कहाँ से? नहीं, अब कहाँ से पुलिस लेकर आया है कि वो कहाँ से लाया है वो तो पुलिस ना बताएगा, हम लोग तो नहीं देखे। आप लोग नहीं देखे ना, न हम लोगों को आने दिया जो देखते। आप लोग पूछना नहीं चाहे कि सर पूछना क्या चाहे कल के तुम लोग साइड रहो। क्या नाम हुआ आपका? पूनम देवी। कहाँ का? वार्ड नंबर 5। ये क्या कहते हैं, ये जिला परिषद के घर में क्या दारू पकड़ा था पुलिस क्या? जी नहीं, लड़के देख लिया दारू घर में, लड़के देख लिया और साबर ये था तो गाछी लगा की कहे छे निकल निकल के खरेट में रहा बोतल दुगो मके खेत से इनका निकल निकल के खरेट में दे दी। मके खेत से दारू बोतल ले आया था? हाँ, बोतल दुगो देख लिया से लड़का एगो ला के दिलके। किसको दिया? निकल निकल खरेट में रखे रहे, जबरदस्ती दस्तखत करो, आए दस्तखत करो, सब आदमी दस्तखत करो, अब सब पब्लिक को ना भगावे था, ना भगावे था, ना भगावे सब करो, सटेल नहीं दे लोग में सामने में। आप वहाँ क्या कर रहे थे तभी? हमें ओतो से एलिए रहे देखे ला की सब हो छे। आपका घर बगले में है? हाँ, बगले में घर से। पुलिस आया था, आप देखने आए थे? हाँ। तो दारू जो पकड़ा सही में जिला परिषद घर में पकड़ा है तब? बोरा में जो दारू रखा था वो कहाँ से ला रहा था? बोरा में दारू हमने देख लिया कहाँ से ला रहे, दूगो फकड़िया पन्नी देख लिया मौके खेत से ला के लिए, तब तक मैं निकाले रहे जब तक मैं संभलिए तब तक मौके खेत से लेके आया था। हाँ, तब निकाल रहा था। हाँ, 4-5 गो पन्नी रहे करिया पन्नी, आगे झोरा